दोस्तों इसके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो यहाँ एक्टर के 100 करोड़ की मांग सी यहाँ पर हमें चारों तरफ बातें सुनने को मिल जाती है। लेकिन जैसे कि दोस्तों इसी बीच जानने को मिल रहा है कि प्रभास ने अपनी फीस में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। और जैसे कि अब यह प्रभास जो कि अपनी आने वाली फिल्म यानी कि स्प्रिट के लिए लेने वाले हैं 150 करोड़। जस्ट जैसे कि 150 करोड़ जो कि काफ़ी मोटी रकम होती है। और जैसे कि देखने को तो मिलता ही है कि अधिकतर फिल्मों का बजट तो यहाँ पर 150 करोड़ के पार भी नहीं जाता है। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ पर तो केवल प्रभास की फीस ही जो कि 150 करोड़ के आंकड़े को छूते दिख रही है। तो इसमें जहाँ एक तरफ जानने को मिल रहा है कि प्रभास ने स्प्रिट के लिए यहाँ पर काफी मोटी फीस की मांग की है और जैसे कि मेकर्स भी इसे देने के लिए तैयार है। तो इसमें दोस्तों यहाँ प्रभास यदि किसी फिल्म के लिए यहाँ पर 100 के बजाय 150 करोड़ की मांग करते हैं तो जैसे कि इससे तो अंदाजा लगी जाता है कि ये फिल्म कितनी ज्यादा बड़ी रहने वाली है और जैसे कि इस फिल्म में हमें कितना कुछ देखने को मिलेगा। तो जहाँ एक तरफ प्रभास के पास यहाँ पर लगभग 4 फिल्में तो पहले ही दिख रही है और जैसे कि इसी के साथ प्रभास की 5वीं फिल्म भी यहाँ पर हमें स्प्रिट के तौर पर जुड़ती दिख गई। हालांकि जैसे कि यहाँ फिल्म के लिए अच्छा खासा इंतजार करना होगा, लेकिन जैसे कि इस फिल्म के लिए प्रभास की बढ़ी हुई फीस जो कि यहाँ इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।